नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीएम। नेपाल में 12 विमान हादसा, 18 यात्री और 4 क्रू मेंबर सहित विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि काठमांडू के समीप पोखरा में यह विमान हादसा हुआ है। रेस्क्यू की टीम वहां पहुंच चुकी है। न्यूज पीएम के पास जो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो को सबसे पहले देख और बताया जा रहा है कि इस विमान हादसे के पीछे क्या कुछ कारण है, जाने इस खबर में। नेपाल में रविवार को बड़ा विमान हादसा हो गया। नेपाल के प्रमुख शहर से एक पोखरा के समीप एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 68 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना पाकर रेस्क्यू फोर्स मौके पर पहुंच गई है। दुर्घटनाग्रस्त यात्री विमान राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक यति एयरलाइंस के विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। 72 सीटर इस ATR-72 विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर यानी कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के समीप ही पहुंचा था कि एक पर्वतीय क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुई है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला ने बताया कि विमान में 68 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसा खराब मौसम के कारण हुआ है। यति एयरलाइंस के यात्री विमान एक पहाड़ी से जा टकराया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहाड़ से टकराने के बाद विमान नदी में गिर गया। जिस जगह हादसा हुआ है वहां से काफ़ी देर तक धुआं के गुब्बारे उठते हुए नजर आ रहे थे। तो आपने देखा कि विमान हादसा का सबसे बड़ा कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। पर्वत से टकराने के बाद विमान नदी में जा गिरा है और कई यात्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की टीम लगातार लगी हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू जारी किया गया है, क्योंकि गहरी खाई में गिरने के बाद रेस्क्यू करने में समस्या हो रही थी, लेकिन रेस्क्यू की टीम वहां पहुंच चुकी है और काम शुरू है।